राजस्थान कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक नया अपडेट अपडेट जो निकल कर आता है आरएस कैलेंडर 2019 को लेकर, जिसको जल्द ही आरपीसी के द्वारा जारी किया जाएगा और उसकी तैयारी कर ली गई है। दिसंबर में कैलेंडर जारी किया जा सकता है, तो उसी से जुड़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम से जुड़े हुए विभिन्न क्रैश कोर्सेज के वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके लिए आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर सर्च कर सकते हैं विशाल माहेश्वरी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज का ये अपडेट आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात, ये आज ही की न्यूज़ है, तो यहाँ आप देखिए दिसंबर में बन जाएगा 2019 का परीक्षा कार्यक्रम। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, दिसंबर में बन जाएगा 2019 का परीक्षा कार्यक्रम। आरपीएससी की तैयारी दिसंबर में वर्ष 2019 का परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की है। इसके लिए कार्मिक विभाग से जल्द ही आरएस 2019 परीक्षा के लिए अभ्यर्थना मांगी जा सकती है, और इसी के साथ 2019 की अभ्यर्थना भी मांगी जा सकती है आरएस 2019। वर्तमान में आयोग अगले वर्ष अप्रैल माह तक की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर चुका है, और एग्ज़ाम डेट से संबंधित पहले भी आरपीएससी ने वेबसाइट पर प्रेस नोट जारी कर रखा है, जिसमें दिसंबर में आरएस मुख्य परीक्षा, जूनियर इंजीनियर, इसी तरह से जनवरी में आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम की डेट पहले डिक्लेयर कर रखी है। इसी तरह से सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम फरवरी में है। इसी तरह से और भी कई एग्ज़ाम की डेट आरपीएससी ने डिक्लेयर कर रखी है, और कुछ की आना अभी बाकी है, तो वो सभी हो सकता है जो ये 2019 का जो परीक्षा कार्यक्रम है इसी में साथ में उनकी एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर की जाए। और इसी के साथ 2019 आरएस 2019 भर्ती से संबंधित भी जानकारी आपको, अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और इसी के साथ आरएस प्री 2018 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन रिजल्ट घोषित होते ही भर्ती भी कोर्ट में पहुंच चुकी है। रीज़न आप सभी जानते हैं, मॉर्निंग में भी हमने इसको लेकर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गई है, उसकी वजह से ये भर्ती कोर्ट में पहुंच चुकी है। उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 में इस बार ज़्यादा कट ऑफ हासिल करने के बावजूद अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ आप देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में आने का मौका नहीं मिलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का तर्क है कि प्रत्येक श्रेणी में एक पद के लिए 15 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। तो आरपीएससी ने मंगल रात देर रात को ये रिजल्ट जारी किया है। इसमें आप देख लीजिए ओबीसी की जो कट ऑफ गई है 99.33 गई है, और वहीं सामान्य श्रेणी की जो कट ऑफ गई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 76 पर आकर रुक गई। पिछली कई परीक्षाओं में ओबीसी की कट ऑफ सामान्य से अधिक रहती हैं, और यही विवाद की वजह बनती है, और विवाद की वजह बनती है और बन चुकी है, वैकेंसी कोर्ट में जा चुकी है। इसके लिए अगर आप याचिका से संबंधित, हमने भी मॉर्निंग में भी एक वीडियो अपलोड किया था, या आप देख ये देख सकते हैं, मॉर्निंग में भी हमने ये वीडियो अपलोड किया था, तो इसको देखकर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए की अच्छी न्यूज़ यही है कि 2019 का कार्यक्रम, परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही वेबसाइट पर आप देखेंगे, और जैसे कोई नया अपडेट मिलेगा उसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे बाकी विद्यार्थियों को भी इस न्यूज़ के बारे में पता लग सके। थैंक यू, धन्यवाद।